जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल कुछ दिनों पहले हमें किसी ने बताया कि हाल ही में एक गांव में एक आदमी को जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन मिला। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मन में जिज्ञासा के चलते इस विषय में कुछ और जानकारियां इकट्ठी की तो पता चला कि पुराने जमाने के लोग अपने धन दौलत को बचाने के लिए उसे जमीन में गड़ा कर रखते थे और उस गड़े हुए धन का अलग अलग जादुई तरीके से सुरक्षा कवच भी बनाते थे। बहुत से गड़े हुए धन की रक्षा तो आज भी बड़े बड़े नाग करते हैं। इस विषय में हमें इसी प्रकार के हैरान कर देने वाली बातें पता चली, जिसमें से आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे पहचाने उस जगह को जहाँ गड़ा हुआ है धन। चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाने के बाद ऑल वाले ऑप्शन को जरूर चुने, नहीं तो हमारे नए वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे और इस कड़ी का अगला वीडियो भी आपसे छूट जाएगा। और अगर आप इस विषय में और भी रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। 24 घंटे में 100,000 लाइक्स होने पर ही इस विषय में अगली जानकारी दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं किस भूमि में खजाना है। कौतुक चिंतामणि, रावण संहिता और वराह संहिता के अनुसार इन स्थिति में गड़ा हुआ धन होने की संभावना हो सकती है। पहली संभावना, जिस भूमि के आसपास जल यानी कि पानी का स्रोत नहीं होने पर भी उस भूमि में नमी दिखाई दे और साथ ही नजदीक किसी काले विषधारी नाग के होने की निशानी दिखाई दे तो वहां पर जमीन में गड़ा हुआ धन हो सकता है। दूसरी संभावना, जिस जमीन की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती हो वहां पर धन संपदा छिपी हो सकती है। तीसरी संभावना, ऐसी मान्यता है कि किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या दूसरे बहुत सारे पक्षी बहुत ज्यादा संख्या में बैठते हों, वहां भी धन संपदा के होने की प्रबल संभावना रहती है। चौथी संभावना, जब हमने इस विषय में कुछ सिद्ध तांत्रिकों से बात की तो उनकी बातें सुनकर हमारे होश उड़ गए। सिद्ध तांत्रिक बताते हैं कि यदि किसी एक ही स्थान पर बहुत सारे वृक्ष हों, लेकिन उनमें भी किसी एक ही जगह पर कौवे का जोड़ा 27 दिन तक लगातार या बाज और कबूतर एक साथ बैठते हों तो उस जगह पर निश्चित ही भूमि में धन छिपा होता है। पांचवी संभावना, जिस जगह नर मादा कौवा या नाग नागिन का जोड़ा संभोग करते हों वहां गड़ा धन हो सकता है। अघोरी कहते हैं कौवा एक नपुंसक पक्षी होता है, इस कारण केवल गड़े हुए धन के स्थान पर ही कौवे का काम जागृत होता है। छठी संभावना, जहां बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास ना उगती हो लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो वहां जमीन के अंदर संपत्ति की संभावना होती है। सातवीं संभावना, जहां विषधारी नाग, सांप या केचुए, कीड़े नहीं नेवले या गिरगिट ज्यादा निकलते हों या उनके पुराने बिल हों वहां भी गड़ा धन होने की संभावना बताई जाती है। आठवीं संभावना, इसी तरह जहां पौधे प्राकृतिक कद से बहुत ऊंचे हों उस जमीन के अंदर गड़ी हुई संपत्ति रहती है। दोस्तों, अगर आप इस विषय में और भी रहस्य जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। 24 घंटे में 100,000 लाइक्स होने पर ही इस विषय में अगली जानकारी दी जाएगी, इसलिए जो भी देखना लाइक जरूर करना दोस्तों और कमेंट भी करना। और चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाने के बाद ऑल वाले ऑप्शन को जरूर चुने, नहीं तो हमारे नए वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे और इस कड़ी का अगला वीडियो भी आपसे छूट जाएगा। बोलिए देवों के देव महादेव की जय।